कभी आप हाई वोल्टेज लाइन के नीचे से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर बैठा होता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, या फिर जो सैग होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो कहीं ज़्यादा है और कहीं पे आप हमिंग की साउंड भी सुनते हैं, फिर भी उसके नीचे से निकलना पड़ता है। ज़्यादातर ये खेतों में होता है, तो आपके मन में कुछ ना कुछ डर होते हैं। तो ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम कि क्या हो सकता है या फिर क्या एक्चुअल में होता है ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होने से। तो देखिए, ये मिथ है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो केवल इंसान को ही पुल कर सकती है, बल्कि ऐसा है कि जो आसपास कोई अगर कंडक्टिंग मटेरियल है उसको भी वो पुल कर सकती है। कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान खड़ा है, उसके हाथ में फावड़ा है, वो कहीं अपने खेत में काम कर रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है उसका सैग ज़्यादा है तो भी वो उसको फावड़े के साथ ही ऊपर पुल कर सकती है। ओके, और ये कैसे होता है ये डिपेंड करता है हमारे तीन फैक्टर्स के ऊपर। पहला है हमारा वोल्टेज लेवल क्या है, दूसरा है हमारा डिस्टेंस कितनी है उस हमारी वोल्टेज लाइन से, और तीसरा है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि जैसा भी बताया कि कोई मेटल अगर हमने हाथ में पकड़ा है, कोई कॉपर की रॉड है और डिस्टेंस कम होती जा रही है तो भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है और वो ट्रांसमिशन लाइन की तरफ खींचा जा सकता है, ये डिपेंड। तो देखिए, एक एक्सपीरियंस और किया होगा, जब आप ट्रांसमिशन लाइन के पास में जाते हैं तो आपके जो हाथ के छोटे छोटे हेयर हैं वो खड़े हो जाते हैं, और अगर आप और नज़दीक जाते जाएंगे तो आपके सिर के बाल भी खड़े हो जाएंगे, और इसका एक मेन रीज़न है वो होता है चार्ज। जैसा कि हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो यही होता है मेन फैक्टर। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज हम किसी मटेरियल के पास मिलाएंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन लाइन। और जब चार्ज डेवलप होता है तो उसके चारों तरफ बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस और पास में आता जाता है, तो कुल में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करती है आपकी वोल्टेज की स्ट्रेंथ पे, अगर हम उसकी रेंज में आ जाते हैं हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो हमें हार्म कर सकती है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे टावर की डिस्टेंस होती है, टावर की हाइट होती है, ये होती है हमारे वोल्टेज लेवल के हिसाब से। 33 kV के अगर टावर की हम बात करते हैं तो उसकी जो हाइट होती है टावर की होती है 8 से 12 मीटर तक होती है। वहीं अगर 66 kV की बात करें तो 12 से 18 मीटर तक उसकी हाइट रखते हैं। अगर हम 132 kV की बात करें तो 18 से 25 मीटर की हाइट रखते हैं। ऐसे ही अगर हम 220 kV की बात करें तो 25 से 35 मीटर की हाइट होती है। 400 kV के लिए 35 से 50 मीटर की हाइट होती है हमारे टावर की। और एक वर्ड और आता है सामने जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा आपने खेतों में देखा होगा कि कोई कोई ट्रांसमिशन लाइन अगर हमारी कहीं जा रही है तो उसमें एक सैग आ जाता है, और इस सैग से जो ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है आपकी वोल्टेज लेवल के हिसाब से। 33 kV के लिए आपकी जो जो टोटल हाइट होनी चाहिए वो 5.2 मीटर होनी चाहिए। एज़ पर द IE रूल इंटरनेशनल, 400 kV का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी हाइट आपकी 8.84 मीटर होनी चाहिए, और 33 kV के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 5.2 मीटर। अब कर सकते हैं कि आप कितनी वोल्टेज लेवल के नीचे खड़े हैं बाय ऑब्जर्विंग दी हाइट ऑफ दी ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, इसका एक थंब रूल होता है कि हर जो शुरू की 33 kV लाइन होती है उसके लिए हाइट होती है आपकी 5.2 मीटर। अगर हमारा अगेन कोई इसमें 33 kV ऐड हो गया है तो यहाँ पे हम 0.3 ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 66 kV की हाइट आपकी लाइन है तो यहाँ पर आपका 5.5 मीटर हाइट होती है। ऐसे ही अगर हम 132 kV की अगर हम बात करें तो सीधे इस करें तो पहले 33 kV के लिए तो आपकी 5.2 मीटर हो गई, बचा हुआ इसमें से 132 - 33 = 99 kV डिवाइडेड बाय 33, क्योंकि हर एक 33 के लिए हमारी 0.3 ऐड होता है, तो यहाँ पर हमारा 3 टाइम्स जो है हमारा 0.3 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.9 मीटर, मतलब 5.2 + 0.9 = 6.1 आपका हाइट आ जाएगा 132 kV के लिए ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं 400 kV के लिए, जो कि आता है हमारा 8.8 मीटर हाइट ग्राउंड क्लियरेंस। अब जो हम चार्ज की बात कर रहे थे, जो चार्ज डेवलप होता है जिसकी वजह से हमारे रोंगटे खड़े होते हैं या फिर बाल खड़े होते हैं, हमारे सिर के तक बाल खड़े हो जाते हैं, वो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे थंडर और लाइटनिंग में भी। अगर हमारे क्लाउड, देखिए क्लाउड्स में क्या होता है कि लाइटनिंग कैसे होती है, क्लाउड्स में भी हमारे चार्ज होते हैं
और हमारे जो ग्राउंड है उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो क्लाउड्स के नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और ग्राउंड में हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे लाखों में जो वोल्टेज होती है हमारे लाइटनिंग में, उसकी वजह से ये स्ट्राइक करती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग गिरती है। और यहाँ पर जो देखिए, ये तो हमारा हो गया चार्ज, और यही फिनोमिना हमारा फॉलो होता है ट्रांसमिशन लाइन में भी। अगर हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है उसकी वजह कहीं उसमें चार्ज डेवलप है, तो वहाँ पर जो नीचे इंसान खड़ा होगा उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ। ये जो थंडर स्टॉम है, थंडर स्टॉम क्या होता है, थंडर इज द साउंड प्रोड्यूस बाय द रैपिड हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर बाय अ लाइटनिंग स्ट्राइक। एक्सपेंशन ऑफ एयर का मतलब ये होता है, देखिए ये जो हम कोरिलेट कर पाएंगे ट्रांसमिशन लाइन के साथ में, अभी देखिए आप पहले इसको समझ लेते हैं। जो हमारा एयर होता है वो होता है एक इंसुलेटिंग मीडियम, हर एक इंसुलेटिंग मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, एयर का होता है 3 × 10⁶ के वोल्टेज। मतलब कि जब हमारी इतनी हाई वोल्टेज एयर को पास करेगी तो उसका भी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और वहाँ पर हमारा करंट फ्लो करने लग जाएगा। यही होता है एयर के एक्सपेंशन में, क्योंकि हाई वोल्टेज जब गिरती है इतना जो इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है एयर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक डाउन होता है। ओके, और क्योंकि हमारी जो स्पीड जो होती है हमारी लाइट की ज़्यादा होती है, इसलिए पहले लाइटिंग दिखती है और बाद में हमारा थंडर स्टॉर्म होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और साउंड की होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ज़्यादा है दिखती है, बाद में थंडर स्टॉर्म। अब देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन का केस होता है, ट्रांसमिशन लाइन के केस में भी जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ जब चार्ज डेवलप हो जाता है और हमारी एयर में जो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारी एयर आयोनाइज हो जाती है, मतलब उसमें से करंट फ्लो होता है और वहाँ चार्ज हो जाते हैं, और यहाँ पे एक हमें इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोरोना इफेक्ट, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, और इसके चारों तरफ जो एक चार्ज की एक लेयर बन जाती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कंडक्टर। यही रीज़न होते हैं सारे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन को लॉसेस की तरफ लेके जाते हैं। अब देखिए कोरोना इफेक्ट में आपने एक पर्पल कलर की लाइट देखी होगी ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ कभी कभी पॉइंट्स पे, तो वो होता है एयर के आयोनाइज होने की वजह से, और ये ज़्यादातर हमारे एचवी में देखा जाता है। तो कुल मिला के जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके नीचे खड़े होने से या फिर उसके नीचे गुजरने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है या फिर ज़्यादा हाई वोल्टेज है या फिर आपके हाथ में कोई कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, लाइन आपको अपनी तरफ पुल भी कर सकती है या फिर केवल चार्ज डेवलप होंगे और आपको फीलिंग होगी कुछ कि आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा के साथ। थैंक यू।